हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर राज्य की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आबादी के हिसाब से किसी भी अन्य राज्य से अधिक कर्मचारी हैं, इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बजट में किए गए प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 39 से 40% पेंशन और वेतन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। हम इस स्थिति को देखें तो राज्य वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार के पास बहुत कम संसाधन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का पूर्व सरकार और केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री आज आप हैं, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन मिले। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन प्रपोर्शन में अगर हम देखें तो कर्मचारी सभी राज्यों से ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। और ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो बजट में हमारे जो प्रोविजन रहते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगभग 39-40% के लगभग जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लाइबिलिटी मतलब एक मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4 तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीजों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, बिल्कुल ऐसी स्थिति ना हो कि गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थिति है और हिमाचल जो है वो बिल्कुल संकट में है आज के इस दौर में।